वेलकम बैक टू समयास किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो ईद आ रही है तो ईद के हवाले से है, स्पेशल डिश। वो ईद इस ईद पे क्या होता है, इस ईद पे जाहिर है इस ईद पे जो होते हैं स्वीट डिश बनते हैं, स्वीट डिश बनती हैं। तो आज हमने जो बनानी है वो भी इसी के हवाले से है। चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। सबसे पहले जो हमारी रेसिपी है वो है सेमियाँ। हमने डिफरेंट टाइप की बनानी है। जो सबसे पहले है वो घर की सेमियाँ, ये देख लें, घर में जो बनाई जाती हैं, पहले विलेज में बनाई जाती थी, ये मैदे की बनाई जाती हैं घर में खुद मशीन से, हाथ से। सबसे पहले वो बनाएंगे, पहले रवाज था लेकिन अब नहीं है। लेकिन जो ओल्ड लोग हैं, मीन के ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या हमारे पेरेंट्स, वो इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैंने इस हिसाब से ये रेसिपी शेयर करने की कोशिश की है। मैंने सेवियाँ ले ली हैं एक प्लेट। अब इसको बॉईल करेंगे, उसके साथ हम लेंगे देसी घी, शक्कर, मलाई वाला दूध है मलाई वाला, और 7 फेंक छुआरे। रात को मैंने भिगो के ने बॉईल करने के बाद दूध में रख दिए थे। और इसका हम एक अच्छे से जो है कहते हैं एक रेसिपी तैयार करेंगे और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेवियाँ थी वो बॉयल हो चुकी हैं। देखें थोड़ा कम थी और आप देखें फुल हो चुके हैं। बॉयल होने के बाद वो डबल हो गई हैं उसकी। अब लेते हैं किस तरह सेट करना है। एक मैंने प्लेट ले ली है और इसमें हम सबसे पहले सेमियाँ डालेंगे। 2 टाइप्स की बनाएंगे हम ये। ये मेरे फादर को बहुत पसंद है और ईद पे ये शीर खमे के साथ लाजमी बनती है। ये देखें इस तरह। उसके बाद 1 चम्मच लेंगे हम शक्कर यूज़ करेंगे इसके ऊपर इस तरह। उसके ऊपर देसी घी, इसका एक अपना ही मज़ा है, ये देखें। अच्छा जी, अब इसके ऊपर रखा जाएगा 1 छुआरा। एक रख लें आप, 2 रख लें, जितने मर्जी रख लें। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरी प्लेट रेडी करते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करेंगे दूध का। मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने बॉयल किया था, मैंने राइस की तरह बॉयल किया था। इसमें बॉयल करते हुए मैंने इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है जस्ट, और मैंने कुछ नहीं, और ठंडे पानी से एक दफ़ा वॉश कर लीजिएगा। ये देखें बिल्कुल सेपरेट है ये, ये देख लें। अब इस पर भी हम शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। अब बताए शक्कर का एक अपना, ब्राउन शुगर का एक अपना मज़ा है। अब इसमें जब घी यूज़ करूँगी मैं, घी के साथ मैं मलाई वाला दूध यूज़ करूँगी। ये देखो, ठीक है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे छुआरे। ये देख लें, ये 2 जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देख लें जो नेक्स्ट हमारी रेसिपी है वो भी सेवियों की है, और उसमें जो हम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे सबसे पहले वो नोट डाउन कर लें। मैंने ब्राउन कर ली हैं सेवियाँ ऑलरेडी, ठीक है। 1 प्लेट, इसमें से 3 हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएंगी। रबड़ी बनाई है। रबड़ी मैंने कैसे बनाई है कि जैसे हम बनाते हैं क्या कहते हैं दूसरा चीज़ की तरह मैंने बनाई है। लेमन को दूध में डाला है और उसके बाद जो उसका फटा हुआ सा दूध हुआ था निकला था उसका पानी खुश कर लिया, उसके बाद ये वाला इस वे में आ गया और उसके अंदर चीनी शामिल करके उसको अच्छे से ब्लाइंड कर लिया। ब्लाइंड करने के बाद उसमें हम डालेंगे एवरीडे के 3 चम्मच एवरीडे के, और इसके आपके सामने इसको अच्छे से रबड़ी जिस तरह बिल्कुल रेडी होती है वैसे रेडी करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा ड्राई मिल्क है जिसमें मैंने खंजूर लिया है वो मस्ट है, ठीक है। खोपरा लिया है, ठीक है। मिक्स जो है ड्राई मिल्क है जिसमें कोकोनट वो बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, कलरफुल वो लिया है मैंने खोपा। और इसके अलावा जो है वो ओरियो बिस्किट है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। ये देख लें, रबड़ी का जो दूध था मैंने आपको बताया वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया, और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम ड्राई मिल्क 2 टेबलस्पून। और बिल्कुल ये रबड़ी जिस तरह बनती है ये उसी वे में आ जाएगा। अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे।
इसको नीचे ना लगने दीजिएगा। और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी होगा। मैंने देखा इसमें शुगर जो है वो बहुत कम यूज़ किया है, हाफ टेबल स्पून यूज़ की है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप जो ड्राई मिल्क है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर जो है। ये देख लो, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी जो रबड़ी है। इसको मैं ठंडा करूँगी और उसके बाद हम इसको लास्ट में सर्व करेंगे। मेरी रबड़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे थोड़े देर के लिए फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। और अब लेंगे हम ग्लास और उसमें शामिल करेंगे हम ये ब्राउन सेवियाँ जो हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने देसी घी में और मक्खन में, आप मक्खन में भी कर सकते हैं, मैंने देसी घी में फ्राई किया, आप मक्खन में कीजिएगा, मक्खन का भी टेस्ट एक अपना ही होता है। ये देख लें। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे रबड़ी। उसके ऊपर शामिल करेंगे हम खंजूर। और इसको ना सेट होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे कुछ टाइम के लिए। एक और चम्मच लेते हैं ओरियो बिस्किट। ये देखो, अब फिर इस पे सेवियों का वो करेंगे एक और। जब सर्व करेंगे ना आप गेस्ट को तो यकीन करें बहुत ही मज़े का वो होगा। ये देख लें, लास्ट में हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। ये लें जी, ये बिल्कुल ग्लास बिल्कुल देखना है, रेडी हो चुका है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम बनाएंगे एक केक। देख लें, वो ब्राउन जो सेवियाँ हमने फ्राई किए हैं वो हैं, उसके अंदर शामिल करेंगे हम रबड़ी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। मैंने आपको कहा सेमी में मैंने जस्ट फ्राई किया है देसी घी में, मैंने इसमें शुगर वगैरह का यूज़ इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट मैंने जो रबड़ी थी उसमें 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। अब ये देख लें, ये एक केक टाइप बनेगा इस वे में। इसको हाथ की मदद से हम सेट कर लेते हैं। तो ये बना के आप वैसे भी रख सकते हैं, बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे आते हैं गेस्ट के साथ उन्हें भी दे सकते हैं, और या गेस्ट सडनली आ गए अचानक आ गए, और चाय के साथ आप इवनिंग में शाम के टाइम, तो आप इस तरह सर्व कर सकते हैं गेस्ट को बस। अच्छा जी, अब इसको हम निकालते हैं बाहर और इसके ऊपर शामिल करेंगे हम ओरियो बिस्किट। ये देख लें, एक बिल्कुल केक बना दिया हम लोगों ने। और उसी पे एक लास्ट जो होगी वो होगी रबड़ी की। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर मैं रखूँगी खंजूर। ये बिल्कुल ईद के हिसाब से है कि मीठी ईद है, तो ये डेजर्ट आप लोगों को ज़रूर बना चाहिए और बिल्कुल आसान है। ये देख लें, हमारी 4 रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, वो भी झटपट। शीर खुरमा, शीर खुरमे के लिए देख लें मैंने सेवियाँ ले ली हैं ब्राउन, इसको मैंने फ्राई नहीं किया क्योंकि हमने शीर खुरमा बनाना है। उसके लिए हमने 1/2 लीटर दूध दिया है, कोकोनट जो है वो पाउडर लिया है मैंने पाउडर वे में, और क्रीम यूज़ किया, और इसके अंदर शामिल करेंगे खंजूर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध मैंने ले लिया है, 1/2 से 1/2 लीटर लिया है, ठीक है ना, मैंने क्योंकि हमने जो शीर खुरमा है वो थोड़ा कम ही बनाना है। तो दूध को बॉयल होने के बाद हम इसमें तो शामिल करेंगे, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, इसमें जो मिल्क पाउडर है वो भी यूज़ करेंगे हम, और इसमें कोकोनट पाउडर का भी यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर सेवियाँ शामिल करेंगे। बॉइल आ गया, मैंने इसमें कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर लिया है और
मिल्क पाउडर भी शामिल कर दिया, ये बताना भूल गई थी, ये देखने मैंने बॉयल किए हैं कलरफुल सेवियाँ, ये भी थोड़ी सी इसमें शामिल करूँगी। और इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने अपने सेवियाँ इसमें शामिल करनी है, खीर खोलने वाले। बस अब इसमें शामिल करेंगे हम अंजूर का इस्तेमाल, ऊपर से कर दें या वैसे इसमें शामिल कर लें, ये बिल्कुल हमारा जो शीर खुरमा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कोकोनट पाउडर का और मिल्क पाउडर का। अब इसको रेडी करने के बाद मैं आपको डिश ऑफ करके बताती हूँ जी। देख लें ये सिंपल सेवियाँ जैसे घर में यूज़ करते हैं ये वैसे बनाएंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी जिस तरह मैं बनाती हूँ। मैंने वाइट सेवियाँ ले ली हैं, उसके साथ मैंने क्रीम का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा ये दूध है, मैंने बॉयल नहीं किया, विदाउट बॉयल किया दूध है। दूध लेंगे, दूध को बॉयल करने के बाद इसमें क्रीम शामिल करेंगे और उसके साथ हम जो सेवियाँ हैं वाइट सेवियाँ इसको लाइट सा कहते ना ब्राउन सा करेंगे, फ्राई कर लेंगे घी में। अब देसी घी में करें, मक्खन में कर लें, या वैसे कुकिंग ऑयल में किसी में भी कर लीजिएगा। सबसे पहले इसे फ्राई करते हैं और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमारी जो सिंपल सेवियाँ थी वो रेडी हो चुकी हैं, मैंने फ्राई की थी फिर पहले घी में, ठीक है, देसी घी में मैंने फ्राई की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूध लिया, दूध में ये शामिल कर दी, और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर शामिल किए हैं, वैसे हमने जो किए हैं वो बाहर शामिल किए थे। अब जस्ट इसमें किया है कि हमने इसके अंदर ठंडा करने के बाद इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है और हमारी सेवियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो हम लोगों ने क्रीम दी थी वो शामिल कर दूँगी इसमें। ये ठंडा करने के बाद शामिल कीजिएगा, अगर गरम गरम कीजिएगा तो अच्छी नहीं लगेगी और उसका टेस्ट भी सही नहीं आएगा। इस पर अच्छे से शामिल कर लीजिएगा बस। अब आप चाहें तो इसके ऊपर से जब हम इसको प्रेजेंटेशन देंगे एक प्लेट में सर्व करेंगे तो इसके ऊपर से कोकोनट जो कलरफुल है वो डाल दीजिएगा। तो जी नेक्स्ट है जो है वो होगा हमारे कस्टर्ड सेवियाँ। कस्टर्ड सेवियाँ के लिए मैंने देखे ऑलरेडी सेवियाँ ले ली हैं, मैंने इसको फ्राई नहीं किया। कस्टर्ड जो है मैंने वो रख लिया, कस्टर्ड जो लिया था वो मैंने लिया पिंक कलर में, पिंक ले लें या येलो कलर में ले लें आप जो भी लेना चाहें। मैंने वैसे पिंक में लिया क्योंकि हर चीज़ येलो है तो पिंक में यूज़ कर सकते हैं हम। और उसके साथ करेंगे हम कहते हैं जेली का इस्तेमाल, रेड और ग्रीन जेली लिया वो मैंने ऑलरेडी बना के फ्रीज कर दिया, वो सबको पता है कि जेली कैसे बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह देख लें हमारी सेवंथ रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और देख लें ये झटपट बनने वाली हैं, शीर खुरमा, ठीक है, और केक, सिंपल जो कहते हैं सेवियाँ होती हैं घर की बनी हुई वो, और जो हम घर में बनाते हैं सेवियाँ वो बनाई हैं मैंने, और इसके अलावा कस्टर्ड सेवियाँ, और जो ये थी ये रबड़ी सेवियाँ। आप देख लीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी, ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एडवांस ईद मुबारक।